SCST और OBC के लिए आरक्षण पर देश में पिछले कुछ दिनों से सियासत जारी है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में SCST का आरक्षण खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि हम SCST के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे और आरक्षण खत्म करने के विरोध में हम हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे जोरों शोरों और ताकत के साथ लड़ेंगे। पूर्व गृह मंत्री ने अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने की भी बात कही। भाजपा जो बोलती आई थी और उसके नतीजे सामने देखने को मिल रहे हैं। SCST के ऊपर जो अभी तक भाजपा जो बोलती आई थी कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, अब जिस तरह से जो व्यवस्थाएं जो आ रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया है, हमारा सरकार से कहना है, सरकार से हमारा जानना है कि केंद्र सरकार ने अपना प्रतिनिधि कोर्ट में खड़ा क्यों नहीं किया है। तो भाजपा जो अभी तक जो बोलते आई थी वो SCST का आरक्षण खत्म करने में भाजपा जो लगी है, लेकिन हम लोग मिलके लड़ेंगे और SCST के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है, और कांग्रेस पार्टी इस लड़े को जोर से और ताकतवर तरीके से लड़ेगी। अब राहुल गांधी जी देश की जो देश में जो सरकार बनी है, केंद्र की जो सरकार है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संसद में विपक्ष के नेता हो गए हैं, अब अभी भी वो मुगादों में ही है। राहुल गांधी जी अब एक स्टेप और बची, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।